हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सविता। मेरे चैनल सविताज फूड डायरी में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, गणेश चतुर्थी आ रही है। गणपति बप्पा को मोदक बहुत पसंद है, तो आज हम फ्राइड मोदक बनाएंगे। सबसे पहले हम डो बनाएंगे। इसके लिए एक बाउल में 1.5 कप मैदा लेंगे, उसमें 2 चम्मच बारीक रवा और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। दो चम्मच तेल गरम करके हम आटे में डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। अपने हाथों से हमें इस तरह उसको रब करना है, इससे मोदक एकदम क्रिस्पी बन जाएंगे। बाद में सबको एक साथ लाकर हम देखेंगे, ये ऐसे जुड़ गया है। इसका मतलब है कि तेल अच्छे से आटे में मिक्स हो गया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम आटा गूंद लेंगे। दूसरे पैन में 1 कप ग्रेटेड कोकोनट और 1/2 कप गुड़ डालेंगे। 2 से 3 चम्मच घी डालकर बारीक गैस पर हम गरम करेंगे। अब ऊपर से थोड़ा बादाम और काजू कट करके डालेंगे। साथ में 1 चम्मच तिल और 1/2 चम्मच इलायची पाउडर डालकर बारीक गैस पर अच्छे से फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, गैस हमें बारीक ही रखना है, नहीं तो नीचे से चिपक जाएगा। तो हमारी ये फिलिंग तैयार हो गई है। इसे हम अच्छे से ठंडा होने देंगे। अब थोड़ा सा डो लेकर उसका एक पेड़ा बनाकर उसे हम बेलेंगे। इसके बीच में हम स्टफिंग का मिक्सचर डालेंगे और एक के ऊपर एक कलियारे कर ऐसे दबाएंगे और ऊपर से ये सिर होना चाहिए। Thank you.
कढ़ाई में तेल गरम कर लिया, उसमें थोड़ा आटा डालकर देखेंगे कि अच्छे से गरम हो चुका है कि नहीं। गैस मीडियम फ्लेम पर रखेंगे। अच्छे से हम गोल्डन ब्राउन होने तक इसे पकाएंगे। तो तैयार है हमारे फ्राइड मोदक। आप भी इसे एक बार बनाकर देखिए और गणपति बप्पा को इसका प्रसाद चढ़ाइए। और मेरे चैनल सविता फूड डायरी को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।